हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है बीकाराम और आप देख रहे हैं BRB फोटो वीडियोस। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बिना किसी इफेक्ट के जो लव में नाम में जो लाइट चलती है वो कैसे लगाई जाती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने काइन मास्टर की स्क्रीन पर, और काइन मास्टर प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये स्क्रीन है जो आपको सेलेक्ट कर लेनी है 69। ठीक है, अब हम सिंपली है जो मीडिया ब्राउजर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं ये ब्लैक बैकग्राउंड है वो उसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद में थोड़ा सा हिसाब से रख दीजिएगा, आपको जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से, और यहाँ पर जो टेक्स्ट का आपको बनाना है वो टेक्स्ट लिख दीजिए। मैं सिंपली आपको लव लिख कर बता देता हूँ, आपको जिस भी नाम का बनाना है वो बना दीजिए। तो मैं लव लिख देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं फुल स्क्रीन कर दीजिएगा, फुल स्क्रीन इस तरीके से आपको है जो कर दीजिएगा जूम आउट। ठीक है, जूम आउट करने के बाद में आपको क्या करना है, ए का सिंबल दिखेगा फ्रंट है जो, इसको आपको कर देना है नॉट सेफ्टी पर क्लिक करके आपको इस तरीके से ये साइज सेलेक्ट कर देनी और इसको बराबर सेट कर देना है। सेट करने के बाद में आप है जो इसका कलर है जो चूज कर लीजिए। तो मैं ब्लू कलर रख देता हूँ। ब्लू कलर करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको ओके कर देना है। ओके करके शेयर के बटन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कीजिए और वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं जब तक वीडियो एक्सपोर्ट होता है। तो ये हमारा वीडियो है जो एक्सपोर्ट हो चुका है। एक्सपोर्ट होने के बाद में हम वापस आ जाते हैं काइन मास्टर पर और दोबारा प्लस आइकन पर क्लिक करना है और ये स्क्रीन है जो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक कीजिए और यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लीजिए। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड है जो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक ही। ठीक है, एक बार ब्लैक रखते हैं, बाद में इसका कलर है जो अपन चेंज कर देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सिंपली ये वीडियो अभी एक्सपोर्ट किया था और इस वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस हिसाब से। ठीक है, और एक्स्ट्रा पार्ट है बैकग्राउंड का उसको कट कर देते हैं। ठीक है, अपना जितना वीडियो है उतना आप रख दीजिए, बाकी का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे ताकि अपनी वीडियो जो अच्छे से बन सके और ज़्यादा टाइमिंग नहीं ले। अब क्रोमा की पर क्लिक कीजिए और क्रोमा की करने के बाद में इसको इनेबल कर दीजिएगा। ठीक है, इस हिसाब से और सेटिंग कर लीजिएगा। और अब आप क्या कीजिए, बैकग्राउंड का कलर है उसको चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे जो मैं पर्पल कलर, और इसको दोबारा क्रोम में जाते हैं और इसका थो ब्लैक दिख रहा है उसको हम हटा देंगे। तो इस तरीके से जो ब्लैक पूरा ब्लैक कर दिया, ब्लर नहीं रहेगा। ठीक है, ओके इस तरीके रख दीजिए और दोबारा लिरिक्स पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो मैं लिरिक्स पर क्लिक करता हूँ और नीचे देखिए जो ब्रश का निशान दिख रहा है उस ब्रश पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ से कलर है जो सेलेक्ट करते रहना है और इसके स्क्रीन के ऊपर घुमाते रहना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं 3-4 कलर ले लेता हूँ और स्क्रीन के ऊपर घुमा दूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और पास में लगी बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होता है, जब वीडियो की अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मैं 4-5 कलर है इसको ले लेता हूँ और इस तरीके से जो कर देता हूँ। ठीक है, तो एक और कलर सेलेक्ट करें, ये कलर। ठीक है, और इस तरीके से हम लाइनिंग खींच लेंगे। ठीक है, तो ये लाइनिंग खींच ली एकदम नाम के ऊपर। अब इसको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और लेमिनेशन पर क्लिक करके सीधा नीचे चले जाइए और स्वीप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये घूमना शुरू हो जाएगा। और इसकी एक क्या करना है, अपन को डुप्लीकेसी कॉपी बना लेनी है। तो मैं 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ और एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद में दोबारा और लेमिनेशन पर क्लिक करना है और ऊपर वाला है जो इसको हम इस तरीके से घुमा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों घूमने लग गए। अब 3 डॉट पर दोबारा क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये नाम है जो हमने लाइनिंग खींची है वो बैक चली जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब प्ले करते हैं, तो इसको पहले खींच के नाम के हिसाब से बड़ा कर देंगे अपन, ताकि अपने नाम के बीच में कट नहीं हो इस तरीके से। अब प्ले पर करते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो लाइटिंग चलती है कि नहीं चलती है।
इस तरीके कोई इफेक्ट कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड नहीं करनी है, सिर्फ अपने फ़ोन से ही काइन मास्टर से अपन बना सकते हैं, ठीक है इस तरीके से। तो देखिए किस तरह है जो बेहतर लाइटिंग चल रही है, तो इस तरीके आप वीडियो बना सकते।